Presentation slides are provided on students request for purpose of quick reference only hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects students are expected to refer standard books for study for examination प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में एक नया इक्विपमेंट सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूब है ना सेमी कंटिन्यूस मतलब ये कंटिन्यूस और बैच प्रोसेस के बीच का है मतलब इसको हम सेमी कंटिन्यूस बोल सकते हैं क्योंकि इक्विपमेंट को रोकना नहीं पड़ता लेकिन इक्विपमेंट में फिल्ट सेंट्रीफ्यूगेशन और उसके बाद केक रिमूवल अल्टरनेट टाइम में चलता है इक्विपमेंट कंटिन्यूली चलता है लेकिन सेम टाइम पे दोनों काम नहीं हो रहा होता है ना और यह ऑटोमेटिक कंडीशन में वर्क करता है ठीक है तो सेमी कंटिन्यूअस जो इक्विपमेंट है इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज ये हम सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एट द एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक like और शेयर कर दीजिएगा ओके तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है सबसे पहले एक याद रखिएगा कि सेमी कंटिन्यूस जो सेंट्री को इसको और क्या बोलते हैं अपन शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूग हम इसको और क्या बोलते हैं शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूग है ना ऑटोमेटिक बोल रहे हैं सेमी कंटिन्यूस ये बैच सेंट्रीफ्यूग जो होता है उससे इसकी एफिशिएंसी या वर्किंग जो प्रोडक्टिविटी होगा वो ज्यादा होगा है ना ठीक है <coughs> तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं प्रिंसिपल इसका जो सिद्धांत है ये कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है तो देखिए सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूग इज अ फिल्ट्रेशन सेंट्रफ्यूग ये भी किस टाइप का है फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग जैसा जैसे हम लोगों ने परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग देखा है ना ये वैसा ही है बट इसमें कुछ एडिशन किया गया है कुछ इसमें नई चीज जोड़ी गई है जिससे कि इसमें ऑपरेशन को रोकना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी एक तरीके से ये पूरी तरीके से कंटिन्यूअस नहीं कहा जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे सेमी कंटिन्यूस कहेंगे ठीक है द सेपरेशन इज थ्रू अ परफोरेटेड वॉल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज यहां पे भी यूज हो रहा है क्या परफोरेटेड वॉल फिल्ट्रेशन होगा यहां पे ठीक है सेपरेशन कहां से हो रहा है परफोरेटेड वॉल से द बाउल अ फोरेटेड साइड वॉल ठीक है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द लिक्विड फेस पास थ्रू द परेशन होगा तो से ही हमारा जो लिक्विड होगा वो पास हो जाएगा वाइल सॉलिड फेस रिटेन इन द बाउल जबकि जो सॉलिड होगा वो उस जो हमारा सेंट्रीफ्यूग है परफोरेटेड वॉल वाला जो बास्केट है उसके अंदर ही फंस कर रह जाएगा है ना छन जाएगा एक तरीके से द सॉलिड इज वास्ड एंड रिमूव बाई कटिंग द सेडिमेंट यूजिंग अ ब्लेड तो जो सॉलिड रुक जाएगा उसको वॉश किया जाएगा और वॉश करने के बाद उसको रिमूव किया जाएगा एक ब्लेड की मदद से या नाइफ की मदद से ठीक है इट इज अ शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंटर तो याद रखिएगा अगर आपको बोलता है कि शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्री के बारे में तो भी आपको यह सेमी कंटिन्यूस वाला ही बताना है ठीक है तो हम इसके कंस्ट्रक्शन पे चले और हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट को डिस्कस करते हैं ठीक है तो देखिए अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की और आप लोग प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो देखिए ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इसका बनावट है इसमें एक फिल्टर मीडियम होगा नाइफ होगा ड्राइव होगा जिसकी मदद से ये घूमेगा है ना यहाँ पास मोटर लगा हुआ है बेसिकली ठीक है यहां पे एक मोटर लगा हुआ है ये मोटर का साफ्ट है जिससे ये जुड़ा हुआ है बास्केट है जिसमें हमारा परफोरेटेड बास्केट बेसिकली किस टाइप का बास्केट है ये परफोरेटेड ठीक है तो चलिए बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल परफोरेटेड बास्केट सबसे पहली बात अभी तक जो बास्केट सेंट्रीफ्यूज तुमने देखा होगा उसमें बास्केट इस तरीके से होता था है ना और इसकी जो दीवार होती तो इधर की तरफ छेद होता था ठीक है और जो हमारा शाफ्ट होता था जिससे ये जुड़ा होता था वो शाफ्ट इस तरीके से इसको घुमाता था ठीक है लेकिन जब सेमी कंटिन्यूअस वाले डिजाइन पे चलेंगे तो हमारा बास्केट ना कैसा हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा बास्केट वर्टिकल हो जाएगा और इसका जो छेद है वो इधर की दीवार पे और इधर की दीवार पे होगा और इसका जो माउथ है इधर से खुला हुआ होगा यहां से फिल्ट्रेशन होगा इस तरीके से ठीक है और इधर मोटर लगा होगा साफ्ट लगा होगा जो इसको घुमाएगा ओके, विच इज सपोर्टेड फ्रॉम अ हॉरिजेंटल सॉफ्ट है ना ये जो है हमारा हॉरिजेंटल साफ्ट होगा उससे ये जुड़ा हुआ है ठीक है ड्रिवन बाय अ मोटर जो कि मोटर से जुड़ा हुआ होगा फ्रॉम द ओपन साइड ऑफ द बास्केट बास्केट का ओपन साइड किधर होगा ये वाला ये जो साइड होगा ये ओपन साइड है ठीक है इसको हम बोलेंगे ओपन साइड Provisions are made at the center of introduce feed and wash pipe and through horizontal tube. तो हमारा ये, ये जो open side है अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा का पूरा डिजाइन है तो इसका जो इधर वाला area है open side है ना ये जो basket है basically हम किसकी बात कर रहे हैं Basket की बात कर रहे हैं है. ये जो काले रंग का जो तुमको दिख रहा है ना यहाँ से ये पूरा का पूरा ये जिसको अभी मैं पिंक कलर से घेरा लगा रहा हूं ये जो काले कलर का जो आपको ये बैंड नजर आ रहा है ये हमारा बास्केट है तो बास्केट इधर से तो क्लोज है देखो इधर से क्लोज है इधर से ओपन है ठीक है इधर का यहां तक ही बास्केट का है इधर इधर तक ही है इसके बीच का हिस्सा खाली है तो हमारा जो हम बोल रहे प्रोविजंस जो स्पेशल टाइप का इसमें पाइपलाइन होगा वो किधर से एंटर करेगा ओपन साइड से तो देखो इसके ओपन साइड से ही क्या क्या जा रहा है देखो फीड और वाश पाइप है ना थ्रू अरिजोंटल ट्यूब यहाँ हॉरिजोंटल ट्यूब इधर देख रहे हो ये फीड के लिए है जो स्लरी के लिए पाइप लाइन इधर से अंदर गया और ये वाश पाइप है ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं इधर ये वाश पाइप है ये भी इधर से जा रहा है और इसके अलावा हमारा असेंबली आएगा जो डिस्चार्ज असेंबली कहलाएगा डिस्चार्ज असेंबली जिसमें ब्लेड लगा हुआ होगा नाइफ और साथ ही साथ इसमें एक क्या होना चाहिए जो सॉलिड को रिसीव करेगा है ना डिस्चार्ज स्यूट बोलेंगे उसको so, क्या बोलेंगे डिस्चार्ज श्यूट वो भी इस पर अटेस्ड होगा तो अब फिलर यानी कि इस डायग्राम में दिखाया गया नहीं है वो फिलर फिलर कहां पे होता है क्योंकि वो एसेसरीज वाले रीजन में होगा है ना राइड ओवर द फीड विच इज कनेक्टेड टू अ डायफ्राम वॉल्ब थ्रू एयर सप्लाई मतलब इसमें एक और स्पेशल सब कनेक्शन होता है जो डायफ्राम जैसा डायफ्राम होता है ना ऐसा कुछ वाल्व बनेगा जो एयर सप्लाई से कनेक्टेड होगा द फीडर कंट्रोल द थीकनेस ऑफ फीड यही कंट्रोल करेगा थिकनेस किसकी फीड की कितना गाढ़ा जाएगा है ना हाइड्रोलिक सिलेंडर अटैचमेंट इज मेड इन सच दैट मैनर डिस्चार्ज सूट एंटर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द बास्केट इसमें कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम से ऐसा जुड़ा हुआ इसमें क्या होगा डिस्चार्ज सूट होगा है ना जो बास्केट के साइड से अंदर जाएगा वेन डिस्चार्ज ऑफ क्रिस्टल इज डिजायरेबल जब हमारा डिस्चार्ज रेडी हो जाएगा उसको रिमूव करने के लिए तब ठीक है तो बेसिकली ये जो डायग्राम है बुक में दिया हुआ डायग्राम आपको इस तरीके से दिखेगा ठीक है और एक्चुअल इक्विपमेंट कुछ ऐसा दिखेगा तो आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है, ये जो है जिसको अभी मैंने पिंक कलर से घेरा लगाया है ये हमारा क्या है परफोरेटेड बास्केट यही हमारा क्या है परफोरेटेड बास्केट ठीक है यही हमारा परफोरेटेड बास्केट है जो वर्टिकली अटैच है है ना और यह देखो ये मोटर है यह वो मोटर है जो इसको साफ्ट से जुड़ा हुआ होगा पीछे की तरफ से जो इसको घुमाएगा कैसे घुमाएगा इस तरीके से घुमाएगा है ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पर यह ऐसा घूमेगा और हमारा जो पाइपलाइन है वो इसके इसी ओपन साइड से अंदर जाता है लेकिन फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता ढक्कन की मदद से ताकि इसमें से कोई भी लिक्विड बाहर ना गिरे और ये जो बास्केट है इसके सराउंडिंग में एक और कंटेनर होगा जो इसका जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना उस फिल्ट्रेशन को कलेक्ट करने का काम करेगा एक पॉट होगा तो वो दूसरा पॉट है ये जो इसके ऊपर ढक्कन की तरह लगेगा इतना इतना डायमीटर में ठीक है और इसके बीच में ये जो गैप है ना इसी गैप में हमारा जो फिल्टर हुआ लिक्विड आएगा वो यहां से कलेक्ट होगा और इसमें एक कलेक्ट होने के लिए एक पाइप बना होगा जिसमें से ये जो दिख रहा है ना इसके बैक साइड से देखो यहां से एक डिस्चार्ज पाइप इस डिस्चार्ज पाइप से हमारा फ्लूड जो होगा वो कलेक्ट होगा फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट यहां से कलेक्ट होगा ठीक है ये जो डायग्राम है देखो ये क्लोज होता है तो इस तरीके से होता है जब ढक्कन लग जाता है ये ढक्कन देखो यहां पास एक यहां पे हिंज ज्वाइंट लगा हुआ है इसकी मदद से ये ढक्कन बंद और खुलता है और जब ये बंद होता है तो ये इसको कवर कर लेता है इसके ऊपर से इसके ऊपर से ऐसा कवर कर लेगा ठीक है जैसा कि यहां पे है तो ये क्लोज कंडीशन में है और ये ओपन कंडीशन में है और आप इसके यहां पे ढक्कन के इस एरिया में देख रहे होंगे बहुत सारी चीज दी हुई है पाइपलाइन दिया हुआ है यहां पे कुछ नोजल बने हुए हैं ये वही नोजल है जो इसके अंदर लिक्विड को पोर करेंगे और इसमें से कुछ ऐसा होगा जो वाश पाइप होगा जो पानी स्प्रे करेगा वॉशिंग के समय और आप देख रहे हो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ है ना इसके आगे मैं दोबारा ये डायग्राम को जूम करके नहीं दिखाऊंगा ठीक है फिलहाल अभी हम लोग एक बार जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए तो आप देख रहे हो तो आप देख रहे हैं ये हमारा परफोरेटेड बास्केट हो गया और इसके अंदर ये जो ओपन साइड है यहां से इसमें पाइपलाइन होगा तो आप देख रहे हैं यहां पास मैं यहां पे ये ग्रीन कलर से दिखा देता हूं ये जो यहां पे छोटे छोटे पाइप नजर आ रहे हैं ना ये पाइप जो दिख रहा है इसमें से एक पाइप जो होगा वो स्लरी के लिए होगा एक जो होगा वो किसके लिए होगा स्लरी के लिए और दूसरा जो होगा वो वॉटर वॉश के लिए एक पाइप जो होगा वो स्लरी के लिए दूसरा वॉश के लिए इसके अलावा देखो इसमें एक यहाँ पे ग्लास का ढक्कन लगा हुआ है ताकि हम इसके अंदर से देख सकें इसके अंदर का ठीक है तो इसके अंदर एक यहाँ पे देखो ढक्कन जैसा है इसके अंदर हम झांक के देख सकते हैं विंडो टाइप का कांच का लगा हुआ इसके अलावा देखो इस इस पे ध्यान देने वाली बात है ये यह देखो यहाँ पास एक ऐसा एक ये लगा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरीके का ठीक है ये हमारा डिस्चार्ज सूट है डिस्चार्ज सूट मतलब ये कुछ ऐसा होगा इस तरीके का ठीक है और ये बाहर की तरफ यहां से बाहर की तरफ निकलता है ठीक है तो देखो इसका एक ए एरिया जो है ना यहां पे नाइफ जैसा धारदार होता है जब इसकी दीवार के अंदर इसकी दीवार के अंदर मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है इसमें बहुत सारा क्रिस्टल का एक थिकनेस का बेड जमा हो जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा इसमें ये पूरा दीवार पे चिपकता जाएगा और जो इसके अंदर लिक्विड है वो इसके इसी छेद से होकर बाहर निकल जाएगा इस छेद से बाहर निकल जाएगा चारों तरफ से और जो बाहर निकलता जाएगा वो इस तरीके से चारों तरफ से फिल्टर होगा जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो तो इसके चारों तरफ ये केज होगा तो वो वो जितना भी लिक्विड निकलेगा वो ऐसा टकराएगा और इसमें से ऐसा नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ दोनों तरफ से आएगा और इसके बॉटम की तरफ ग्रेविटी के कारण आएगा और इस बॉटम में यहाँ से देखो यहाँ पास एक ओपनिंग दिख रही है ये देखो इस ओपनिंग से लिक्विड जो होगा पार होगा और वो अंदर ही अंदर इस पाइप लाइन से ये डिस्चार्ज पाइप है इस डिस्चार्ज पाइप से डिस्चार्ज होगा लिक्विड है ना लेकिन जो सॉलिड है जो हम मैं पिंक कलर का यहां दिखा रहा हूं ये सॉलिड है जो इसके अंदर जम गया है अब ये जो सॉलिड होगा ना वो सॉलिड इसके अंदर एक थिकनेस तक जम जाएगा तो जब हमारा ये ये जो है ना लीवर की तरह उठता है ये ठीक है तो इसका अगला कंडीशन कुछ ऐसा होगा इसका जो अगला कंडीशन है मैं इसको ऑरेंज कलर से बना देता हूं ठीक है तो ये जो है ये थोड़ा जब ऊपर उठेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और जब ये ऊपर उठेगा तो ये इसकी दीवार को टच करेगा है ना यहां पास जो इसकी दीवार को टच करेगा और इसके ऊपर में एक धारदार ब्लेड होगी जो उसको स्क्रैप करेगी तो स्क्रैप करते हुए इसके अंदर की मटेरियल को यहां से गिराता जाएगा और वो इसके अंदर से होता हुआ इसके अंदर से होता हुआ कलेक्ट हो जाएगा और ये जो हमारा सॉलिड डिस्चार्ज पाइप होगा वहां से ये कलेक्ट कर लिया जाएगा है ना तो ये अंदर का डायग्राम काफी हद तक समझ में आ गया मैं जब एनिमेशन में दिखाऊंगा तो आप लोग को ये और समझ में आ जाएगा इस इक्विपमेंट के साथ तो नहीं बट हम इसके एक दूसरे मॉडल के साथ बात करेंगे तो आप जो ये देख रहे हैं ना ये ये जो जो अंदर से सूट लगा हुआ है कलेक्ट करने के लिए है ना आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारा तो ये देखो ये पाइपलाइन एक बाहर की तरफ आ रहा है ये पाइपलाइन अंदर से ये बाहर की तरफ आ रहा है इसमें से हमारा सॉलिड डिस्चार्ज हो जाएगा है ना सॉलिड डिस्चार्ज हो जाएगा और इसमें एक सिस्टम लगा हुआ होगा जिससे कि हम इसके अंदर देख भी सकते हैं और इसमें कुछ वाल्व सिस्टम लगा हुआ होगा हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ जिसके कारण ये जो है काम करेगा है ना तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट लगे हुए हैं इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट लगे हुए हैं जिससे हम इस इक्विपमेंट को ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं जो इसके अंदर की थिकनेस को मॉनिटर करेगा और कब इसको वॉश करना है कब इसमें से पार्टिकल को रिमूव करना है ये सब चीज को मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा ऑटोमेटिकली ठीक है तो आई होप ये दोनों डायग्राम अगर आप समझ गए होंगे ना तो आगे आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए कंस्ट्रक्शन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं और अब आते हैं ये कंस्ट्रक्शन था जिसमें आप लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज था उसमें ठीक है अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग की तो देखिए द परफोरेटेड बास्केट इज अलाउड टू रोटेट एंड स्लरी इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द साइड पाइप है ना स्लरी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साइड पाइप से ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द स्लरी पाजेस थ्रू द परफोरेटेड वॉल द सॉलिड्स आर रिटेन इन द बास्केट वाइल फिल्टरेट लीव द बास्केट विच इज कलेक्टेड एट आउटलेट फर्दर द केक इज वॉस्ड विथ वाटर द वॉश स्केप्स फ्रॉम बास्केट थ्रू द फिल्टर आउटलेट है ना फिल्टरेट आउटलेट तो अभी तुम डायग्राम में देख रहे हो एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा देखो ये जो स्लरी वाला है यहां से लगातार स्लरी जो है इसमें बास्केट के अंदर की तरफ ये साइड वाले पाइप से जा रहा है और क्योंकि ये घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है जिसके कारण ये जो लिक्विड है देखो ये जो ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं ना ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे यहां से ड्रॉपलेट दिख रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं लिक्विड इस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसके अंदर से निकल रहा है और इस दीवार से जाकर टकरा रहा है और इस दीवार से टकराने के बाद ये बाहर वाला कंटेनर है जो नॉन परफोरेटेड है सराउंडिंग वाला सराउंडिंग पॉट है जो कलेक्ट करेगा किसको फिल्ट्रेट को तो ये फिल्ट्रेट देखो इसमें यहां से फिल्टर से पार पार होकर आ रहे हैं और ये हमारे सराउंडिंग वाला जो वेसल है उसमें ये कलेक्ट हो रहा है है ना अब जब ये इसमें लिक्विड भर जाएगा है ना इसमें लिक्विड भरेगा और ओवरफ्लो या लिक्विड आउटलेट जो होगा देखो ये आउटलेट जो है ना इस वाले पाइप से ये सराउंडिंग वाले पाइप से होकर हमारा लिक्विड जो है कलेक्ट होगा इसका एक अलग सेपरेट चैनल भी हो सकता है ठीक है डिपेंड करता है डिजाइन पे हम किधर से इसका आउटलेट दे रहे हैं अगर हमने इसके अंदर से यहां से होल बना दिया यहां से एक पाइपलाइन जोड़ दिया तो हमारा जो लिक्विड होगा वो इधर से कलेक्ट हो जाएगा है ना हम आउटलेट किधर भी दे सकते हैं तो ये लिक्विड के लिए आउटलेट हो गया जो इसके अंदर फिल्टर होगा वो इस तरीके से या तो इधर निकल जाएगा हमारे डिजाइन पे डिपेंड करता है हमने आउटलेट किधर दिया है तो ये लिक्विड का आउटलेट हो गया और जो आप इसके अंदर ये रेड कलर का ये एक थिकनेस देख रहे हैं ये वो पार्टिकल का बेड है ये वो पार्टिकल है जो इसके चारों तरफ जमा हो गया है है ना ये केक है सॉलिड है बेसिकली ये केक है सॉलिड है जो रिटेन हो गया और आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नाइफ एक यहाँ पे नाइफ है जो अभी इससे दूर है जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तब ये दूर होता है इससे अभी ये वहां पे नहीं है और ये लिक्विड है दोनों तरफ जो फिल्टर होके गुजरेगा और ये वही वही लिक्विड है जो यहां फीड हो रहा है लगातार ठीक है चलिए ये बात अगर समझ में आ गया होगा तो इसके अगले साइकिल पे चलते हैं है ना अगले साइकिल में क्या होगा देखो आफ्टर अचीविंग द डिजायर थीकनेस जब हमारा जो केक है वो फिफ्टी टू सेवेंटी मिलीमीटर mm तक मोटा हो जाएगा पचास से लेकर सत्तर एमएम तक का मोटा थिकनेस तक हो जाएगा ये जो हम फिल्टर केक की बात कर रहे हैं ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना ये फिल्टर केक है ठीक है द फिलर कट ऑफ द एयर सप्लाई है ना इसमें जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होगा उसमें जो फिलर नाम से था वो कट ऑफ कर देगा एयर सप्लाई को जिससे कि टू अ डायफ्राम वॉल्व जो कि डायफ्राम वॉल्व की तरफ एयर की सप्लाई कर रहा था जिससे डायफ्राम खुला हुआ था दैट ऑटोमेटिकली ऑफ द एंट्री ऑफ स्लरी जिससे कि ये जो स्लरी का एंट्री है ना ये रुक जाएगा ये जो स्लरी का एंट्री है ये अचानक से क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा क्योंकि अब हमारा जो अंदर थीकनेस जो है 50 से 70 मिलीमीटर mm तक पहुंच चुका है किसका फिल्टर केक का बास्केट के अंदर ठीक है द हाइड्रोलिक सिलेंडर इज एक्टिवेटेड अब क्या होगा हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा विच विद द डिस्चार्ज दूट है ना अब देखो जैसे ये कट ऑफ होगा इसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होगा जो इस नाइफ को और ये नाइफ जो है इसको और ये जो डिस्चार्ज श्यूट है इसको ऊपर लिफ्ट करेगा कहां ले जाएगा इसके केक के पास ले जाएगा जहां से इसको स्क्रैप करके केक को अलग करना है द नाइफ डज नॉट कट द केक कंप्लीटली ये जो नाइफ है ना ये पूरी तरीके से कट करके निकालता नहीं है डाउन द स्क्रीन बट लीव अ लेयर ऑफ क्रिस्टल दैट एक्ट्स एज अ फिल्टर मीडियम फॉर फर्दर सेपरेशन इन द नेक्स्ट साइकिल तो ये क्या करता है जनरली पूरी तरीके से केक को नहीं निकालता थोड़ा सा रहना ही देता है क्योंकि ज्यादा स्क्रैप करेगा तो इसकी जो फिल्टर वाली जो दीवार है जो वॉल है वो घिसेगी तो वहां तक उतना नहीं निकालता कुछ कुछ क्रिस्टल को छोड़ देता है जो कि एक स्क्रीन जैसा काम करता है जो फर्दर फर्दर अगले साइकिल में जब फिल्ट्रेशन होगा वहां पर वो फिल्टर मीडियम का काम करेगा इन द नेक्स्ट साइकिल ठीक है द रेसिड्यूअल क्रिस्टल्स मे बी गिवन अ ब्रीफ वॉश बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट साइकिल अगला जो साइकिल है उसके पहले एक ब्रीफ वॉशिंग करते हैं, है ना थ्रू अ टाइमर एंड एयर सप्लाई देयर फॉर दर साइकिल इज सेमी ऑटोमेटिक द डिस्चार्ज क्रिस्टल्स में कंटेन टू टू फोर परसेंट ऑफ माइस्टर ये जो हम सॉलिड इसमें से निकलेगा उसमें दो से चार परसेंट क्या होगा मॉइस्चर होगा मतलब पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक इसमें होगा ठीक है तो देखिए बात करते हैं ये जो हमारा डिस्... ये है हमारा नाइफ ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है और इसके नीचे एक, एक हॉपर जैसा बना हुआ होगा जो जस्ट इस नाइफ के नीचे होगा है ना तो इसको लिफ्ट करेगा ये ऊपर की तरफ और ये पहुंचा देगा इसके पास तक जब ऐसा होगा तो हमारा पार्टिकल जो गिरेगा वो कहाँ गिरेगा इसी इसी डिस्चार्ज सूट पे गिरेगा और इसमें से होता हुआ ये हमारा डिस ड्राई क्रिस्टल निकलेगा ये जो ड्राई क्रिस्टल होगा इसमें भी दो से चार परसेंट मॉइस्चर होगा जिसको फर्दर ड्राइंग करके हम रिमूव कर लेंगे है ना और जब हम ये जो करने वाला रहते हैं उससे पहले ये वॉश पाइप से एयर वाटर स्प्रे करता है ताकि इसमें जो चिपका हुआ जो फिल्ट्रेट में कुछ मटेरियल होगा वो डिजॉल्व होके वॉश होके फिल्टर हो जाएगा है ना समझ में आई बात तो चलिए इसके अगले स्टेप पे चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, गे यहां पर हम लोग अभी एनिमेशन देख रहे हैं ठीक है इस एनिमेशन में जो फिल्ट्रेशन हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा ये हम लोगों ने इसका मैंने एक अरेंजमेंट आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे होगा तो ध्यान से देखिए ये तो हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं सेमी कंटिन्यूसेंट्रीफ्यू का साइड व्यू है ये साइड से देखने में कैसा दिखेगा इसको हम ओपन साइड से देख रहे हैं अभी ये जो देख रहे हैं अपन किस साइड से देख रहे हैं ओपन साइड से तो ये जो ऑरेंज कलर का घूम रहा है ना ये हमारा परफोरेटेड बास्केट है और ये जो इसके चारों तरफ एक लेयर दिख रही है ना ये है हमारा केक फिल्टर केक और ये लगातार देखो यहां पास फीड हो रहा है है ना ये स्लरी फीड पाइप है इसमें से स्लरी डालते जा रहे हैं जिससे कि स्लरी इसमें से छनता हुआ ऐसा दीवार को पार करके सराउंडिंग में आ रहा है है ना चारों तरफ आप देख रहे हो जो फिल्ट्रेट है वो इसमें से फिल्टर होके जा रहा है और जो येलो कलर की जो रिंग नजर आ रही है आउटर मोस्ट वो हमारा वो केज है या बोल सकते हैं सराउंडिंग बाउल है या सराउंडिंग पॉट है या जार है बोल सकते हैं जो कलेक्ट करे किसको फिल्ट्रेट को और जो हमारा फिल्ट्रेट इसके बीच में आएगा वो कहीं से आउटलेट होगा वहां से वो कलेक्ट कर लिया जाएगा है ना ये प्रोसेस चल रहा है और ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का एक देखो स्क्रैपर जैसा नज़र आ रहा है ये हमारा स्क्रैपर है जो अभी नीचे की तरफ है अभी लिफ्ट नहीं किया गया अभी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है इसलिए अभी नीचे है और ये जो आप देख पा रहे हो एक हॉपर जैसा ये यह हमारा डिस्चार्ज स्यूट है यह हमारा क्या है डिस्चार्ज सूट है तो जब पार्टिकल को कलेक्ट करना होगा तो हमारा स्क्रैपर ऊपर हो जाएगा और उसके साथ ही साथ ये डिस्चार्ज सूट भी ऊपर हो जाएगा और पार्टिकल सब इसके अंदर गिरेगा तो हम लोग इसको अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कैसे काम करेगा तो देखो पहले वाले राउंड में अब दूसरे राउंड में क्या हो रहा है देखो केक रिमूवल हो रहा है क्या हो रहा है केक रिमूवल देखो हमारा ये जो नाइफ था पहले ये नीचे था नाइफ अभी नाइफ जो है ऊपर चला गया ये जो है ये हमारा नाइफ है दिख रहा है? है ना तो ये हमारा नाइफ जो ठीक है तो ये हमारा नाइफ है देखो इधर और इधर वाला ये जो ब्लैक वाला है ये ये हमारा नाइफ है तो नाइफ देखो पहले नीचे था अभी ये टच कर रहा है हमारे उस आ, फिल्टर केक को और ये जो ऊपर से पार्टिकल गिर रहे हैं ये वो पार्टिकल हैं जो गिर रहे हैं तो ये देखो कहाँ गिर रहे हैं ये गिर रहे हैं डिस्चार्ज शूट के ऊपर है ना ये डिस्चार्ज श्यूट के चारों तरफ से देखो यहां पे एक पाइपलाइन गई है इस पाइपलाइन से पार्टिकल जो होगा ये बाहर की तरफ निकल जाएगा है ना इस पाइपलाइन से पार्टिकल बाहर की तरफ निकल जाएगा तो आप आप इसको देख पा रहे हो मैं इसको नीचे में देखो ये इस तरीके से होता है आपका ये डिस्चार्ज सूट दिख रहा है इसमें थोड़ा सा ये छुपा हुआ ये डिस्चार्ज शूट के ऊपर ये पार्टिकल यहाँ से गिरते रहेंगे और ऐसे ही इस पाइप के थ्रू बाहर की तरफ जाते रहेंगे तो आई होप आप लोग को ये एनिमेशन के माध्यम से कुछ हद तक समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ओके okay? तो देखिए एडवांटेज में क्या है शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंटिफिक यूज वेन सॉलिड कैन बी ड्रेन्ड फास्ट फ्रॉम द बाउल अगर हमको या मतलब जो पार्टिकल है वो जल्दी निकल जाते हैं तो हम इस टाइप का इसमें यूज कर लेते हैं और बहुत जल्दी से इसमें से हम कलेक्ट कर पाएंगे और क्योंकि ये सेमी कंटिन्यूस है कुछ एडवांटेजेस हम यहाँ पे लिखे नहीं है पर हमने बत, हमको ये पता होना चाहिए कि सेमी कंटिन्यूस है, मतलब ये एज कंपेयर टू बैच प्रोसेस एडवांटेज है है ना बैच प्रोसेस के कम्पेरिजन में ये ज्यादा फायदेमंद है ठीक है और औ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है यहां लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा जनरली उधर लेबर कॉस्ट होता था यहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम है सब मशीनरी पे बेस्ड है तो ये हमको लेबर कॉस्ट कम हो गया प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है ना इकोनॉमिकल हो गया लेकिन डिसएडवाटेज क्या बोलेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्ज ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल देखो जब वहां पे जो हमारा यहां पे जो क्रिस्टल को जब हम इसमें से इस की मदद से रिमूव कर रहे होंगे उस समय क्या होगा क्रिस्टल और और उसके बीच में फ्रिक्शन होगा तो, जिससे क्रिस्टल कुछ हद तक टूटेगा ब्रेकेज होगा क्रिस्टल में टूट फूट होगी तो कुछ पॉसिबल है May, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट इन्वॉल्व है मेकिंग द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग कॉम्प्लिकेटेड जो इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं मतलब ये बहुत ही सिंपल डिजाइन नहीं है हम इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते हैं। आप देख पा रहे हो देख कर ही समझ में आ रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड इसका मशीनरी है तो ये डिसएडवांटेज है सिंपल कंस्ट्रक्शन होने से उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस सब सस्ता पड़ता है पर जितना कॉम्प्लिकेटेड इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी जोड़ा हुआ है है ना इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस जुड़ा हुआ है इसमें मोटर जुड़ा हुआ है इसमें सेंसरी सिस्टम इसमें डायफ्राम जुड़ा हुआ है जो ऑटोमेटिक मेजर करेगा कि इसमें थीक इनफ थिकनेस तक हो गया है तो अब इसमें कट ऑफ कर दिया जाए और अब वॉशिंग किया जाए और अब इसमें से रिमूवल किया जाए तो इसमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है जो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता है जो इस, इसके वजह से ये जो मशीन है ये महंगा होगा कॉस्टली होगा आसान नहीं होगा ठीक है तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए ओके okay? तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ठीक है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ठीक है तो हमारा ये पोर्शन जो है सेमी कंटिन्यूस सेंट्री फ्यूक का ये कंप्लीट होता है ठीक है और हम लोग नेक्स्ट जो होगा उसमें सेम सुपर सेंट्री फ्यूग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगी क्लास होगी उसमें हम लोग सुपर सेंट्रिक यूक के बारे में पढ़ेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिल सके और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो या किसी दूसरे सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम उसको जब भी मुझे समय मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी नोट्स या उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकूँ ओके तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू